So hello everybody, welcome to PD classes. This is Manoj Sharma. You can start up your questions. आप कोई भी question put up कर सकते हैं during this class. And I welcome you for your specially KVS interviews. और एक request करूंगा आपसे, उन बच्चों को please ये forward करना जो आपकी तरह KVS में जा रहे हैं, NVS में जा रहे हैं. ये request है मेरी. Okay, Mr. Abhishek. TV. उन बच्चों तक जरूर ये लाइव देना, ये पर्टिकुलर लिंक देना इस समय, क्योंकि ये क्लास एक लिमिटेड टाइम के लिए है. तो अगर यदि आप इस समय ही भेजेंगे तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, ताकि वो भी आपकी तरह कोई क्वेश्चन पुट अप कर सके. अगर आपके पास कोई केवीएस का ग्रुप है तो आप जरूर. वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम दीपिका, हाउ आर यू, वेलकम सौरभ, वेलकम 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 कृष्णा, राजू वेलकम. Yes, anybody can have their questions, please. So I welcome all of you regarding this Kendriya Vidyalaya NVS teacher interview. All of you are good teachers. Reena, आपका भी कोई question है तो put up कीजिए. Deepika, आपके questions की शुरुआत कीजिए. Any question regarding your interview session, regarding learning session? Yes, sir. I just want to know how to interact with self confidence in front of someone else. कैसे मतलब हम अपने आप को confidently face कर सकते हैं किसी को? बिल्कुल बिल्कुल. You can develop your confidence by giving lot many mocks. जितने ज्यादा आप mock practice करते हैं, mock interview देते हैं, और हर किसी के पांव की football नहीं बनना चाहिए during mock session, क्योंकि बहुत लोग आपका. Sir, one confusion I have. What is the difference between taking class online or offline? Offline में मुझे लगता है कि ज़्यादा मतलब offline is offline because offline में क्या होता है, हमारे पास candidates 5 hours लगातार, मतलब एक study का continuity बनती है. और online का हम 1 hour करवाते हैं, मगर अच्छा करवाते हैं, but we also know कि एक बच्चा हमारे पास आया है तो बहुत कुछ ज़्यादा सीखता है. Overall जो personality development है ना, अब हमारे पास इस बार दिल्ली और हर स्टेट से गर्ल्स आई हुई है, इस समय भी आज के दिन भी बहुत से स्टूडेंट्स और कल भी आ रहे. तो व्हाट दे आर लर्निंग टाइम में जरूरी हो जाता है, ट्राई भी नहीं करते आप तो. ओके प्लीज प्लीज नेक्स्ट, एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस सर, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन सर. हां जी पूछिए मिस्टर अभिषेक अग्रवाल. हां जी, हां सर, हेलो सर. सर एक्चुअली आई वांट टू नो दैट व्हाट इज अ शॉर्ट नोट योर सूटेबिलिटी टू द पोस्ट, व्हाट थिंग्स आई फील इन द शॉर्ट नोट सर. That is the suitability for KVS. So obvious, yes, sir. KVS के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपकी जो personality है वो adjustable nature की होनी चाहिए, versatile personality होनी चाहिए. और आप exploring new culture, ये आपकी hobby होनी चाहिए. It should be your interest. तभी ज्यादा interesting रहेगा. और ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, ध्यान से सुनिए. यदि आप suitability लिख रहे हैं KVS में, then you must know also that what I am writing, because during an interview they can ask you that what you have written in your suitability. Please recite all the things together. Hello CV. Hello Siddhika, how are you? Meri favorite student hai ye, Urdu hai inka subject, bahut achhi student hai bhai, bahut intelligent. Neha, welcome. Raju, Meena, Shubham, Varsha. Actually sir I am preparing a short note, can I read here? No, please don't read here. Just try to listen what I am saying. क्योंकि आप एक biasness create कर दोगे. क्या होगा, मैं अपने students को biasness नहीं पसंद करूंगा, अभिषेक अग्रवाल. और अगर कोई grammatical mistake check करनी है फिर तो बात अलग है. Otherwise वही grammatical. हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन लेता हूँ. नहीं सर, actually मैं चाह रहा था कि you should check the grammatical mistake any or not sir. Please आप बोलिए, कोई बात नहीं, no problem. सोनू, आकाश, शुभम, समरेश कैसे हो? डॉक्टर सुष्मिता, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आपके जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, पूछ लो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ ही हूँ. होल डे हम लोग प्रोफेशनल रहते हैं यार, कोई काम थोड़ा डिफरेंट वे भी करना चाहिए लाइफ में. और आप लोगों के साथ मिलने का बहुत ऐसा काम मौका मिलेगा दोबारा. दिव्या, अनीत, नवनीत, अजिया. हाँ जी अभिषेक बेटा, आप रीड करो, मैं सुन रहा हूँ, डोंट वरी. ओके अबा, हाउ आर यू सर? आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग एंड हैव बीन टीचिंग सिंस 2012 इन माय टीचिंग कैरियर. आई हैव कैरियर नहीं बोलना चाहिए, करियर बोलना चाहिए, इट शुड नॉट बी कैरियर. ओके सर,
करियर 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 नॉट करियर यस यस दीपिका इज राइट नेक्स्ट ओके ओके अभिषेक जी आगे बोलिए थोड़ा जल्दी क्योंकि और बच्चे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ओके आई हैव taught स्टूडेंट विद डिफरेंट पोटेंशियल दिस हैज taught मी वेज टू मेकिंग ऑफ माय क्लास इफेक्टिव एंड इंटरएक्टिव I have taught many students online as well as offline. Besides that, I am working as an accountant for multiple companies. ये मत बोलना. I am working as an accountant. ये मत बोलना. ठीक है. ध्यान रखना. ये आपके लिए एक बहुत बड़ा drawback खड़ा हो जाएगा. आपने बहुत अच्छा किया मुझसे read करवा लिया. और दूसरी बड़ी बात ये जितना भी आपने बात बताई है ना इनको कब शब्दों में ये बोलो दैट आई हैव अ सर्विस एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग दिस मेनी थिंग्स बस दैट वुड बी इनफ हाउ इट्स ऑल अबाउट हाउ टू यूज टीचिंग एड्स और अकाउंटिंग एड्स लाइक व्हेनेवर आई यूज टू इफेक्टिव टीचिंग एड्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन इफ आई वांट टू टीच समवन एल्स सो हाउ टू यूज इफेक्टिव टीचिंग एड्स आई थिंक सो यू नो हाउ टू यूज प्रॉपर के बीच में एक्सपर्ट लेकर आया हूँ आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे जो दीपिका दीक्षित है ये मेरी ऑनलाइन इंग्लिश इंटरव्यू बहुत से क्लासेस हैंडल करते हैं ऑल इंडिया मगर केवीएस एनवीएस में किसी भी टीचर को नहीं देता हूँ सिर्फ मैं लेता हूँ मगर इंग्लिश की क्लासेस इंटरव्यूज की अलग अलग क्लासेस जैसे रास्टेस और ऑल अदर्स दीपिका इज एक्सपर्ट इवन सैनिक स्कूल के अंदर वगैरह बहुत एक्सपर्ट नॉलेज रखती है ये वेरी गुड आई एम प्राउड ऑफ यू No sir, I'm nothing in front of you and just I'm learning. No, Deepika, I'm proud of you really. You are really dynamic in English. वाकई में आपका जो स्टाइल है जो बच्चों को ऑनलाइन हाँ जी आकाश जी पूछो बेटा क्वेश्चन पुट अप करो जल्दी फटाफट I would like introduction for interview. Please take it once. Is there any wrong? आकाश बेटा आपका क्वेश्चन ही समझाना मैं एक बार सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों आप लोग सारे मैच्योर लोग हो सब टीचर हो सब रेस्पेक्टेबल लोग हो आप प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने जब आपकी टर्न आए तभी ऑन करो रिक्वेस्ट है समरेश खास करके आपके वहां से बहुत वॉइस आ रहा है बेटा प्लीज है समरेश बेटा हाँ जी अब बोलिए आकाश आप क्या कहना चाहते हैं सर हमें इंटरव्यू लिखे हैं सर प्लीज चेक करिए कि जैसे उसमें कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है कि जिसको हमको इंप्रूव करना है इंटरव्यू के लिए इंट्रोडक्शन अपना लिखा है बोलिए बोलिए हाँ सर गुड इवनिंग सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई नेम इज आकाश कुमार गुप्ता आई एम फ्रॉम गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश Talking about my educational background, I completed my 10th with 88%, 12th with 80%. इतना पीछे से नहीं जाना चाहिए। देखो तुम तो हमारे छोटे भाई की तरह हो यार। सुनो ध्यान से। आप है ना इतना पीछे से नहीं जाएंगे। यानी कि जब आप हायर एजुकेशन कर चुके होते हैं तो आपका जो हाईलाइट है ना वो हमेशा डिसेंडिंग लेवल होना चाहिए वो असेंडिंग लेवल नहीं होना चाहिए जिस तरीके से आप बता रहे हो वो असेंडिंग लेवल है आप इतना पीछे से मत जाओ क्योंकि इंटरव्यूअर के पास ट्रैकिंग नहीं मिलेगा ट्रैपिंग नहीं मिलेगा आपको इंटरव्यूअर को ट्रैप करने का इंटरव्यू में क्योंकि वो क्या है फ्री हो जाएगा और वो आपकी बात के अंदर क्वेश्चनिंग नहीं निकाल पाएगा एक्चुअली क्या होता है देखो सारे जने सुनना मेरी बात ध्यान से जो मैं बताने आया हूँ इंटरव्यू क्या होता है गेम की तरह या तो इंटरव्यू इंटरव्यूअर ये सोच के बैठा है कि भाई मेरे को क्या क्वेश्चन पूछने आकाश से क्या शिवी से क्या सोनू से क्या प्रेरणा से ऐसा नहीं इंटरव्यूअर तो बैठ गया और आप लोगों ने मेरे स्टूडेंट से भी सुना होगा जिन्होंने इंटरव्यू दिया है सुना होगा कि इंटरव्यूअर वो पूछ रहा है जो उसके मन में आ रहा है सुना है ना ये लाइन आप लोगों ने सुनी है सर इंटरव्यूअर वो पूछ रहा है जो उनके मन में आ रहा है तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली रियल इंटरव्यू वही है असली का इंटरव्यूअर वही होता है जो सच में वही पूछे जो उसके मन में आए अब एज अ कैंडिडेट आपको क्या करना है मिस्टर आकाश आपके पास ट्रैपिंग्स होनी चाहिए कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो इंटरेस्टिंग लगे और इंटरव्यूअर की तरफ जाए जैसे यस यस डेफिनेटली दीपिका अभिषेक ने बात बोली कि सर मैंने अकाउंटेंट वर्क तो देखो यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं इंटरव्यूअर को कि मेरे पास एक और सेकंड ऑप्शन है लाइफ का तो ये नेगेटिव भी पड़ जाता है ये नहीं बोलना आपको यू आर नॉट सपोज टू से दिस डेफिनेटली सर और वन आई जस्ट वांट टू से वन थिंग मोर कि जब भी मतलब दे आर द यू आर द ऑल स्टूडेंट्स जब भी आप किसी कभी भी कंपनी में किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप ये सोच के जाइए कि वो जो इंटरव्यूअर वहां बैठा हुआ है ना वो आपकी पर्सनालिटी को जज कर रहा है एक्चुअली वो आपसे आइडियाज मांग रहा है कि दे वांट टू नीड योर आइडियाज आप मतलब डिफरेंट तरीके से आप उन्हें किस तरीके से उनकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है ना आपके पास उनकी कंपनी को
क्या आइडियाज है, क्या आप डिफरेंट कर सकते हैं. Totally the dependency on the organization, that is more important. Exactly. That you are totally dependent on this job. This job is very important for you, very crucial. That is the main point. Because वहाँ पे उनको ना देखिए actually क्या होता है company में ना उनको अपनी भीड़ नहीं बढ़ानी है, but ना there are a million population in our India. ठीक है बहुत सारे population है, but वो आपको select क्यों करे? What is the difference in between you? क्या क्या difference है आपके अंदर? What is the different qualities you have? है ना, तो वो ideas आपको वहाँ पे देने हैं कि उनकी particular company के लिए आपके पास अलग ideas क्या है. क्या आपकी जो hobbies में क्या बता रहे हो आप अपनी hobbies में? Hobbies are learning new things related to technical advancement. Because sir, I am from electrical engineering background. किस जॉब के लिए जा रहे हो? KVS sir, DGT. DGT क्या? सब्जेक्ट क्या आपका? एक बार दोबारा बोलो बेटा. Work education sir. Work education. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो आपका जो profile है वो working show होना चाहिए, that I have experience of this 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 things. सही है, टेक्निकल राउंड का इंटरेस्ट है सर, आप बता सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. एनीबॉडी एल्स? यस शिवी, योर क्वेश्चन. सर इफ द इंटरव्यूअर आस्क्ड दैट व्हाई यू वांट टू जॉइन केवीएस ओनली, डेफिनेटली इफ दे विल आस्क यू व्हाई डू यू वांट टू जॉइन केवीएस, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी आंसरिंग होनी चाहिए. मींस आप कह सकते हो कि सर वैसे तो आई एम यूज्ड टू विद ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी देती आ रही हूं, और लकीली सर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात मान लीजिए सर कि दैट आई गॉट सिलेक्टेड इन केवीएस. क्योंकि देखो अगर आपको हो गया सर आई वांट टू जॉइन केवीएस बिकॉज दिस इज दिस दिस दिस, तो आपको भी पता और उसको भी पता है कि आप दुनिया का कोई एग्जाम नहीं छोड़ रहे, आप एनवीएससी दे रहे हो, डीएसएसएससी भी दे रहे हो, टीचिंग के भी, लोकल के भी दे रहे हो, स्टेट के भी दे रहे हो, उसको भी पता है, वो भी आपकी दुनिया से ही गुजरा है और आगे बढ़ा है. तो आपका जो फर्ज है ना वो बिल्कुल नेचुरल वे में रहना है सर, आई एम यूज्ड टू विद दिस एग्जाम्स और लकीली सर आई गॉट सिलेक्टेड. और फिर केवीएस के बारे में आपको कुछ ऐसा कहना है, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है ये, इसके अलावा इंडियननेस को बढ़ावा देता है, एक्सीलेंस रखता है, मींस टू परस्यू एक्सीलेंस इन स्कूल एजुकेशन. आपने देखे होंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, तो यही इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, ट्रांसफरेबल एम्प्लॉयज वगैरह के लिए बेनिफिशियल है. तो आप इनमें से कोई ऐसा पॉइंट हाईलाइट, सभी पॉइंट नहीं कहूंगा आपको, कोई ऐसा एक दो पॉइंट लेकर एक बढ़िया आंसरिंग डिजाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा पक्का. और जो मैंने लाइन एड ऑन करी है बायसनेस नहीं है, यही मैं मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं कोई बायसनेस रखता हूँ कि आप लोगों को नहीं उधर अलग, ऐसा नहीं होगा. आदमी का जो सिलेक्शन है, जो बॉय का सिलेक्शन है, गर्ल का सिलेक्शन है, वो कभी आंसरिंग पे नहीं होता है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका सिलेक्शन होगा. अगर आप सोचो कोई एक आंसर अगर आप रिकॉल करके बढ़िया दे दें और आपका सिलेक्शन, ऐसा नहीं होता. तो कोई भी क्वेश्चन अगर मैं छुपाऊंगा तो आई डोंट थिंक आई विल बी गुड टीचर. ज्योति जी कोई क्वेश्चन पुट अप करिए, क्या शांति से बैठी हो. और अनिल जोशी, अंजलि जी, महेंद्र, पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, इट्स अ फर्स्ट इंप्रेशन, यू नो. यस, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट. यस ज्योति, आस्क योर क्वेश्चन. शिवी एंड आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, पुट अ स्माइल प्लीज, जस्ट यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. Please, okay. Anybody can. Shivi, you also. Punita, you also. Hello. Haan ji, Reena, boliye. Question can be asked regarding I am selected for the state exam ya state teaching usme. So can I say this or not? Please once again ask your question. Sir, I am selected for state exam. You are selected for? Sir, PIT teacher. PIT teacher. Okay, after that. So sir, can I say this in interview? Can I? In which state you are appearing TET exam? MP, Madhya Pradesh. MP TET exam. Exactly. I can get you. कहना चाहते हैं रीना कि आपका MP TET exam clear किया है, तो क्या मैं इसे PRT में बताऊं या ना बताऊं? ये आपका question है. Sir, मैं selected हूँ PRT में. PRT में मैं सिलेक्टेड हूँ, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ वहाँ पे कि मैं पहले से ही सिलेक्टेड हूँ एमपी में, एमपी टेट के लिए? नहीं मैडम, मत बोलना, मत बोलना. नो मैडम, नो. इफ यू विल स्पीक देन दे नो वेरी वेल दैट डेफिनेटली इफ वी सिलेक्ट आल्सो देन द कैंडिडेट इज विल डेफिनेटली प्रेफर द स्टेट ओनली. आज मान लीजिए जिसको स्टेट मिलता है तो ऑब्वियस है मैडम स्टेट जॉब करेगा, है ना? आप खुद देखिए और प्रेफरेंस भी उसको देगा, तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज का. इवन मैं काफी बच्चों को ये भी अवॉइड करवाता हूँ कि आप लोग अपना नेट वगैरह अवॉइड करिए थोड़ा सा, कि आई एम नेट क्लियर और व्हाटएवर.
हाँ पीएसडी अगर आप बताते तो आपको बेनिफिट मिलता है, मगर कुछ क्वेश्चनिंग आपके पास डायनामिक होनी चाहिए तो आप पीएसडी बता सकते हैं, देन यू कैन। मोर क्वेश्चन एनीबडी कैन। सिर्फ आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को अवॉइड करेंगे, बाकी आपका आंसरिंग अच्छा है यार, मुझे पसंद आ रहा है। मैं जो कहना चाहता हूँ ये कहूंगा कि उसको आप राउंड ऑफ में कम शब्दों में उसको अपनी बात को कह दो, आपने उस बात को बहुत इलैबोरेट किया है तो वो उसकी जगह कोई और बात अच्छी आप डाल सकते हो। ओके सर, एक्चुअली मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि आई वांट टू क्लबिंग द एक्सपीरियंस। जैसे आपने बोलते ना कि मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, तो उसकी जगह आपको बोला चाहिए मेरे को एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर पसंद है। अगर मेरा एक्सपीरियंस एक वास्ट बता रहे हो, उसकी जगह आप बोलो मेरे को सेलिब्रेट एक्सपीरियंस है। तो ये कुछ वर्डिंग्स क्या होते हैं, आपको कम शब्दों में आप अपना इंप्रेशन ज्यादा डाल सकते हैं। नेहा जी कोई क्वेश्चन बोलो जी, आपको फायदा हो जाएगा यहाँ आने का, सिर्फ बैठे मत रहो। यहाँ पर किरण, वीरेंद्र, गुड इवनिंग सर, सुमन, गुड इवनिंग सर, अंजलि, just get energetic and put a smile. Hello? And then put your, you can ask any question. Hello, yes yes, hello, yes Mahinder. सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम दिया था, तो मेरे सर 151 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन सर मुझे एक कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि मेरी बीसीए प्लस एमबीए है, तो मुझे एमसीए की जरूरत पड़ेगी या एमबीए मेरी मार्केटिंग से चल जाएगी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट मेरी चल जाएगी। तो जो फाइव ईयर कोर्स होगा ना आपका, फाइव ईयर कोर्स था ना? नहीं, बीसीए थ्री ईयर होता है सर। नहीं, बीसीए उसके बाद मेरी साथ में था ना कॉम्बो, आपके साथ में कौन सा था? मैंने एमबीए किया है उसके बाद बीसीए। अच्छा, आपने एमबीए अलग से किया उसके बाद? अलग से किया था। ग्रेजुएशन है ना यार, अगर बीसीए नहीं किया ना, आपने एमसीए भी कर रखा है? नहीं सर, मैंने एमबीए कर रखा है, लेकिन एमसीए मेरी फर्स्ट ईयर है अभी, वो तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी सर। अच्छा अच्छा, एनीबडी नो द आंसर प्लीज, आप हेल्प कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो मिस्टर महेंद्र की, और वही करना जो प्रोफेशनली जानते हैं, इनको गाइड मत करना वही। अदरवाइज महेंद्र आप एक काम करना, कमेंट में किसी भी वीडियो पे डाल देना, मैं किसी स्टूडेंट से बढ़िया आंसरिंग करवा दूंगा, प्रॉमिस, ठीक है ना, डोंट वरी। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि, शिल्पा, सोनू, अब मेरे स्टूडेंट तो रोज बात करते हैं, अब मैं अगर आभा को बोलूंगा तो मैं गलत करूंगा, क्योंकि आभा तो ऑलरेडी मुझसे बहुत बात करती है। सर, आई वांट टू जॉइन ऑफ योर ऑफलाइन बैच, बट नहीं, यहाँ पर नहीं बेटा, एडवर्टाइजमेंट लगेगा यार, ऐसा मैं मनोज शर्मा इसलिए आया क्योंकि बच्चे कलेक्ट कर, नहीं नहीं प्रमोशन बच्चे, मत चिंता करो, यहाँ पर जो बच्चा मेरे पास नहीं आ सकता, बहुत से रीजन होते हैं, मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो प्लीज आप ध्यान रखो, वो क्वेश्चन पुट अप करो जो इंटरव्यू से रिलेटेड है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड प्लीज रिक्वेस्ट है, यहाँ कुछ मत करो, आप इंटरव्यू से रिलेटेड बात करो, आपको हेल्प करने आया हूँ मैं प्रमोट नहीं करने आया, मुझे आता है प्रमोशन, सारा दिन मैं प्रमोशन ही करता हूँ। रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज, पार्डन। If interviewer asks me how can you make your class interactive, what will I sir say to interviewer? आप इसका आंसर बहुत अच्छे से जानते हैं और ज्यादा मुझसे ज्यादा बेहतरीन दे सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम वेरी जोवियल टाइप ऑफ पर्सनालिटी सर, एंड आई लव इंटरेक्टिंग पीपल, और सर ये मेरी हॉबी भी है, दैट आई ऑलवेज ट्राई टू टीच देम इन क्रिएटिव मैनर्स, आइदर इन ग्रुप्स और इन सम प्रोजेक्ट्स, एंड देयर आर वेरियस वेज टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स, इट कैन बी अ प्ले वे वे और इट कैन बी द वे व्हिच दे रियली लाइक, सपोज दे वांट दैट आई शुड टॉक देम द होल डे इन द क्लास एंड आई शुड टीच देम इन अ ग्रुप, देन आई कैन टीच, इफ दे वांट अ प्रोजेक्ट teaching I can teach, if they want yes, that sir. I should give them some assignment accordingly, and like we could do ek word hota hai yaar group discussion hota hai, to ek abhi ek word aayega mere mind mein, main wo word bataunga aapko, aap wo word bhi use kar sakte hain, sir main iske through bhi padhana, in cheezon ke through, matlab ye class hai, haan ji, hello sir, haan ji Punita ji, excuse me sir, jaldi, हेलो सर, हाँ जी क्वेश्चन पूछिए सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, मेरा एक क्वेश्चन है, आई एम करंटली वर्किंग एज अ गेस्ट टीचर आपका, हेलो सर, माय नेम इज शिल्पा सर, नेम बताइए, शिल्पा सर, माय नेम इज शिल्पा, शिल्पा सामने आइए, अदरवाइज क्वेश्चन मत पूछो, आप बात भी नहीं कर सकते किसी को देखकर, तो आप क्या क्वेश्चन पूछ रही हो, हाँ अब बोलिए अपना क्वेश्चन, लोग सामने नहीं आ सकते ना वो, प्लीज जाइए यार, कोई फायदा नहीं है, क्या लेक्चरर बनोगे तुम लोग, क्या केवी में जाकर जितनी पढ़ाओगे,
वहाँ 50 लोगों के 50 जेंट्स होंगे, क्या तुम उनसे बात करोगे यार? बताओ ना यहाँ पर क्या टाइम खराब कर रहे हो? आई जस्ट वांट इंटरव्यू का एक प्रोसेस होता है ना, आई कॉन्टेक्ट. तो ये आप जब वीडियो पुट ऑन करते हैं ना, तो आप एक लर्निंग कर रहे हैं, आई कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, है ना? वीडियो ऑन करिए अपना. चल शिल्पा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कम ऑन, आई एम रेडी. Sir, I am currently working as a contractual employee in Delhi Government School. So, can I mention it in? You must mention. अगर आप mention नहीं करोगी तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा. ये चीज़ आपको पक्का benefit देगी, मैं आपको promise करता हूँ. और बताइए, must mention, compulsory. Will the expectation rise from the interviewer side? No, their expectations also will rise definitely. They'll ask you questions based on that. मगर आप पढ़ा रही हो और आप एक teacher हो. तो ऑब्वियस, अगर आज मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, मैं इंटरव्यू का टीचर हूँ, मुझसे यार अगर मैं किताब खोल के अगर आपको पढ़ाऊंगा तो कैसा लगेगा फिर, समझिए ना. तो आप बताइए, आपको बेनिफिट देगा, ये प्रॉमिस करता हूँ मैं. अगर आप मैं होता ना आपकी जगह 100% बताता. बस अब आप समझ जाओ. नेक्स्ट. हेलो मत बोलो स्टूडेंट, नाम बोलो अपना जल्दी से, मैं समझ जाऊंगा कौन सा बच्चा बात करना चाहता है. ज्योति क्वेश्चन पूछो जल्दी फास्ट. दोनों को कुकिंग लिखवाया है मगर सिर्फ कुकिंग मत डालना ज्योति, फंस जाओगे. अकेला अगर आप बोलोगे तो अच्छा नहीं. सुनिए सुनिए, आप कुकिंग अकेला नहीं डालेंगे, ठीक है ना. योर हॉबी कैन बी रीडिंग, योर हॉबी कैन बी टीचिंग, इट कैन बी ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, बट इट कैन बी कुकिंग आफ्टर ऑल दैट. बट अगर आप स्टार्टिंग में कुकिंग मत रखना प्लीज, कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन ज्यादा होंगे, आपको डिस्टर्ब ज्यादा करेगा, माइंड में आएंगे ना उसके, तंग करेगा बिना काम के आप लोगों को, क्या फायदा. चलो मैं पूछता हूँ आप लोगों से, एक मिनट रुकिए, मैं अंजलि से पूछ रहा हूँ, एक बार भी बात नहीं करी. अंजलि अंजलि, आपसे अगर बोला जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है तो क्या बताने वाली हो, जल्दी बताओ अंजलि, कम ऑन फास्ट. AVS में वीकनेस क्या बताने वाली. थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. माय वीकनेस इज अ लिटिल बिट इमोशनल. ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि आप है ना इमोशनल वीकनेस नहीं बताएंगे. बस ध्यान रखना, रैशनल वर्ल्ड यू शुड नॉट यूज दिस वर्ड इमोशनल एट ऑल, दिस इज नॉट अ वीकनेस. अगर आप अच्छी कंसेप्चुअल बुक्स पढ़ोगे, अच्छा नॉलेज गेन करोगे ना, जब दुनिया में तुम अभी तक यूट्यूब और गूगल पे हो, तुम लोग अच्छा नॉलेज नहीं देखते हो, वो गूगल और यूट्यूब वो लोग बनाते हैं और अपने एक मींस अपने हर चीज पढ़ लेते हैं. तो आप नहीं डालना प्लीज, आप नहीं कहना मैं इमोशनल हूँ, उसकी जगह कुछ और बताइए मुझे. एनीबॉडी कैन, सोनू कुमार ट्राई करोगे आप? हेलो सर, मैं बोल सकती हूं? जब तक मुझे टास्क मिलते हैं, जब तक मैं उसे पूरा नहीं कर पाता हूँ, तब तक मैं परेशान रहता हूँ. ये मैं अपना वीकनेस बताऊंगा. बहुत अच्छा, इसको थोड़ा सा एड ऑन कर देता हूँ मैं. कुमार आप कह दे रहा सर, बिकॉज ऑफ दिस माय पर्सनल वर्क हैम्पर्स, ये अच्छा लगे. यस, अच्छा है बच्चा, ग्रेट. सोनू आपका सब्जेक्ट क्या है? मैं बताऊं वीकनेस. हेलो जी ज्योति, वीकनेस इज आई गो वेरी डीप व्हाइल आई एम आई टीचिंग. पार्डन अगेन ज्योति, आई गो वेरी डीप व्हाइल टीचिंग. यस यस, आई वांट एवरीबॉडी परफेक्शन. बिल्कुल सही है, मैं समझ गया आपकी बात. You go in my the topic weakness very is I go very deep while teaching. चलेगा चलेगा, best sir. Overconscious, you can add overconscious. You can workaholic and all this you can add, no problem. और जो PRT में जा रहे हैं वो थोड़ा टॉकेटिव भी बोलेंगे तो कोई बुरा नहीं लगेगा, ठीक है ना, हम लिटिल टॉकेटिव चलेगा. सुमन जी आप कोई बात नहीं कर रहे, कोई क्वेश्चन नहीं आपके पास, सिर्फ देख रहे हैं. शशि हेलो. अरे नहीं सर, मैं पूछ रही हूँ कब से, एक क्वेश्चन है सर. सुमन जी आपको कौन मना कर रहा है यहाँ सर? जो मेरी ट्वेल्थ है वो मेरी जो ट्वेल्थ वो मैंने साइंस साइड से की है, और फिर बाद में मैंने जो ग्रेजुएशन है वो आर्ट साइड से की है. तो वो सर क्वेश्चन पुट तो नहीं होगा ना? कॉलेज ना होने के कारण एक रीजन हो सकता है कि इन माय सिटी और इन माय विलेज. और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं सर? जींद से. जिनमें जब आप कर रहे थे ग्रेजुएशन वगैरह तो क्या साइंस से रिलेटेड कॉलेज अवेलेबल थे क्या? सर वो कह सकते हैं that, that there were no nearest college sir available at that particular place and my father and my parents didn't allow me to go outside of the place at that time. मगर ये नकारात्मक लगता है क्योंकि ऐसा रहेगा यार आप केवी में कैसे जाओगे, तो आप इसको भी अवॉइड करना. इसकी जगह आप ये कह सकते हो कि सर आई वॉज हैविंग इंटरेस्ट. आपने जो सब्जेक्ट लिए थे वो कौन कौन से लिए थे ये बता दीजिए बस.
सुमन जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने जो सब्जेक्ट लिए थे वो कौन कौन से लिए थे? जी ग्रेजुएशन में बात कर रहे हो सर आप? जी 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 हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सर। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। कोई रीजन था मेरा ये हिस्ट्री के प्रति कोई इंटरेस्ट था? नो सर, बस वो मेरे पास छोटा बेबी था तो इसकी वजह से हम जान नहीं सकते। और भी कारण होते हैं, जैसे ना बीएससी में तो उलझ जाना होता है, इस वजह से लिया था सर। ट्यूशंस वगैरह नहीं अवॉइड कर सकते हो आप, ट्यूशंस वगैरह नहीं लग सकते आप, इतने कैपेबिलिटी नहीं होती आप साइंस के लिए जगह जगह जा पाओ, बहुत से रीजंस होते हैं। कोई नहीं, आप ऐसा करना अपनी क्वेश्चन को कहीं लिख देना मुझे, मैं उसकी आंसरिंग कर दूंगा आपको बढ़िया सी। मगर पता है क्या, इसमें पूरी लाइफ देखनी पड़ती है, पर्सनल क्वेश्चन है ना, पर्सनल क्वेश्चन के अंदर रैंडम आंसर नहीं होता। अगर मैं आपको रैंडम आंसर दूंगा ना कहीं पक्का फंसोगे। ये भी बोलोगे ना नियरेस्ट तो भी उसको प्रॉब्लम हो रहेगी, मेरे को पता है, इंटरव्यू घुमाएगा फिर आपको तंग करेगा। जी जी हाँ, तो अच्छे बना लेंगे, आप फिकर मत करो, सुमन जी को चिंता करती हो, कभी ना कभी मैं आपको आंसर दे दूंगा, प्रॉमिस। आप फोन करना कभी, मैं लाइव आता हूं। सर शुड बी गो विद एनी टीएल? जी सर, सर शुड बी गो विद द टीएलएम फॉर डेमो टीचिंग? नो, यू नीड नॉट टू ब्रिंग एनीथिंग, ऑल द इंस्ट्रूमेंट और थिंग्स यू कैन जस्ट गो थ्रू डायरेक्टली एंड वेट फॉर देम, लाइक व्हाटएवर दे विल गिव यू द टॉपिक। और आपके पास सिर्फ परफॉर्मेंस करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, आपके पास अपना हुनर होना चाहिए, दैट इज द बेस्ट वे। कई बार तो वो आपको मार्कर भी यूज नहीं करने देंगे। अभी मेरी एक स्टूडेंट गई थी ना, वो बता भी रही थी, आप लोग वीडियो नहीं देखते ढंग से ना, वो बता रही थी कि मैं गई और बोर्ड पे मुझे टच भी नहीं करने दिया, मुझे बोला अच्छा मैडम आप एक काम कीजिए, आप है ना डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कीजिए, ये टॉपिक बताइए चलिए। मतलब ये ना कई बार आपको बैठे बैठे भी डेमो दे सकता है वो, हाँ जी ये डेमो आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आप तैयार रहना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक्चुअली क्या कई बार क्या होता है लोग जाकर इरिटेट कर देते हैं। मान लो आप जानते हैं कि इस व्यक्ति को अगर स्टेट की जॉब मिलेगी तो ये स्टेट में जाएगा, वो उसको पता है, तो आप अननेसेसरली कई बार क्या होता है इरिटेट कर देते हैं इंटरव्यू को, तो वो सोचता है यार नहीं ये पता नहीं आना चाहिए कि, फिर वो अपने को पूरा ही नहीं खेलेगा, वो नहीं होना चाहिए। सर मुझे एक क्वेश्चन पुट करना है आपका, ना जी जल्दी। सर व्हाट टाइप ऑफ फोबिया कैन बी मेंशनड? सर मुझे ये पूछना था कि मीना जी को दे दो यार, मीना जी दोबारा बोलिए अपने क्वेश्चन को, बाकी लोग म्यूट रखा करो। मीना जी दोबारा बोलिए। जी सर, सर मैंने हिंदी के पीजीटी हिंदी के लिए केवी का एग्जाम दिया है, ठीक है, लेकिन मैंने एज एसएसटी दिल्ली में सोशल साइंस से गेस्ट टीचर लगी हुई हूँ मैं 8 साल से, तो सर क्या मैं अपने जब इंट्रोडक्शन भरू उसमें ये चीज लिखूं कि आप मैंने एक काम भी, आप मुझे ये बताइए कि आपने जो एसएसटी का है वो आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा क्या एसएसटी का? हाँ जी सर, मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर है। तो आप एक काम करना, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रही है उस समय आप बोलना that I have been working as a guest faculty for teaching history and Hindi. Sir, मेरे पास experience जो है, मैंने history for Hindi का guest lecture as a work किया है। सुनते जाइए, सुनते जाइए। अगर वो आपको contradiction करते हैं, वो कहते हैं मैडम आपके अपने जो experience दिखाया वो तो history का दिखाया है, आप तो हिंदी और हिस्ट्री बता रहे हैं, तो आप convey करेंगे कि sir actually in my school our Hindi teacher has left fire, तो सर वो भी मैं ही हैंडल करती आ रही हूँ और मेरी कमांड बहुत अच्छी है, तो सर एक्चुअली ऐसा है भी, सर एक्चुअली ऐसा है भी, मुझे एक ऐसा सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए, अगर नहीं भी है तो भी हमें कहना पड़ेगा। मगर अब देखो क्या होता है, जब हम सच बोलते हैं ना मीना जी, तो हमें ना कुछ याद नहीं रखना पड़ता दुनिया में, मगर जब हम थोड़ा सा आधा परसेंट भी झूठ बोलेंगे जिंदगी में तो हमें याद ज्यादा रखना पड़ता है, मेमोरी शार्प नहीं है ना, तो हम फंस जाएंगे। अब मैं आपको डिप्लोमेसी सिखा रहा हूँ, झूठ बोलना नहीं सिखा रहा हूँ, आपको सच में एक्सपीरियंस है। नहीं नहीं बहुत बढ़िया सर, है ना। आज मेरे पास एक दैया जी आई है बाहर से, शायद हरियाणा की है, उनकी कास्ट भी दैया ही है और बहुत अच्छी स्टूडेंट, टैलेंटेड स्टूडेंट जी। मैं तो सुनिए सुनिए जी जी जी, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब आप जब बोलेंगे कि मेरी प्रूडेंसी दोनों सब्जेक्ट्स में है, तो वो आपको जैसे वो पूछ रही थी, क्या नाम था इनका, ज्योति पूछ रही थी कि सर कि अगर मैं ऐसा बताऊं तो क्या मेरा जो क्वेश्चनिंग का लेवल है वो अप हो जाएगा? हाँ जी होगा,
when you are sharing that sir mera question actually isi cheez ke regarding tha definitely that time madam you should be very prudent in giving the topics whatever topic is given to you aapka jo demo ka jo style hai jo andaaz hai wo bahut effective hona chahiye usko lagna chahiye ki waqai mein aapke andar energy hai aapka jo batane ka jo way hai jo confidence hai wo bahut shandar hai selection Amina ji best of luck तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी एक्चुअली क्या फिर वो सोशल साइंस से भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि भाई आपने किया बिल्कुल मैडम ऑब्वियस है मेरे फिजिक्स वाले मेरा स्टूडेंट गोवा गया था मैथ्स का आप पिछले साल 2019 में चेक करना उसको फिजिक्स का डेमो भी बोलना था कि फिजिक्स का डेमो भी बताइए कोई बड़ी बात नहीं अगर आप सोशल स्टडीज का डेमो बता रहे हैं तो आपके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है उसको भी ये बात पता है अच्छे से जो सब्जेक्ट्स अगर आपके को रिलेट हैं लाइक जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ओके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड अदर जो भी साइंस से रिलेटेड है दे आर ऑल कोरिलेट ठीक है ये सब कोरिलेट है जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है ना ये सब कोरिलेट है तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द सब्जेक्ट विच आर रिलेटेड टू ईच अदर ठीक है तो जो Wonderful. एक दूसरे रिलेट अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हैं तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए कि आपसे सोशल स्टडी की क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे हिस्ट्री की क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ठीक है तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहिए साइंस अलग है एंड आर्ट्स अलग है तो आर्ट्स के लिए आपको सब क्या वो डेमो भी सब लोग केवीएस में लग जाओ ना क्या वो डेमो के लिए भी कह सकते हैं क्या क्लासेस के लिए मुझे जरूर बताना ऑनलाइन हमारी लेडी टीचर बहुत शानदार करवाती है और उनका नाम दीपिका है ध्यान रखना ये वही दीपिका है जो ऑनलाइन ऑल इंडिया लेवल पे बहुत शानदार इंग्लिश करवाती है आप लोगों को गाइड कर रही है गुड एक्चुअली आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड तो मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं दीपिका अनम्यूट कीजिए अनम्यूट दीपिका का म्यूट हो गया दीपिका म्यूट कीजिए मैम आवाज नहीं आ रही हां जी हां तो मैं साइंस का डेमो देने गई थी तो he was ready to taught by myself ki wo mujhse ye expect kar rahe the ki main unhe social study padhaun because you are human being aap pehle aap subject chhod dijiye aap human being hai you have to knowledge about all the society all the subject like political science aapko abhi politics ke bare mein bhi knowledge honi chahiye general study ke bare mein knowledge honi chahiye because agar aap teaching se pehle tet exam dene ja rahe hain tet exam aap dete hain na koi bhi teaching dete hain jab net ka exam dete hain national eligibility test ise bolte hain na national eligibility test to wahan pe eligible hai yani ki aap national nation jo hamara country hai na iske according agar aap eligible hai to aapko sari knowledge honi chahiye doesn't matter ki aap kis background se hain aap science background se hain ya arts background se hain theek hai aapko perfect hoke wahan jana hai सर करंट अफेयर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर केबीएस इंटरव्यू तो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द करंट अफेयर्स आप 1 ईयर का रेडी रखो बस 1 ईयर ठीक है जब भी आप जा रहे हो मैम स्टैटिक जीके कैन आल्सो दीपिका प्लीज लिसन देखो क्या होता है इन लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि ये कंप्लीट ईयर तक के जीके को करंट में रखे सुनिए मेरी बात It is not possible for them. आप करंट नॉट पॉसिबल आप लोग जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो विमेन्स डे गया है दीज करंट टॉपिक्स जो इन दिनों करंट में हो रहा है बस दैट इज इनफ यस सर ऑस्ट्रेलिया के अगर यहाँ पर सीनियर यहाँ आते हैं और केवी के अंदर अगर वो आते हैं तो न्यूज पेपर में अगर ये न्यूज आती है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उनके साथ थे और वो केंद्रीय विद्यालय में गए तो आपके पास ये न्यूज पड़ी भी होनी चाहिए बस दैट वुड बी इनफ मतलब ऐसा नहीं है कि आप टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे जीके पर आप ध्यान रखना कि आपका जो लेवल है वो टॉपिक पर ज्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए क्योंकि टॉपिक वाइज दे विल डेफिनेटली व्हाट इज योर लेवल नेक्स्ट क्वेश्चन रीना सर उसे भी शॉर्ट लिस्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है कि उस टाइप की न्यूज निकालो और से मगर आपके पास करंट का अफेयर का मतलब सिर्फ आप यही रखना कि प्रेजेंट क्या चल रहा है दैट इज इनफ फॉर यू बट आप नहीं ईयरली इज नॉट पॉसिबल इवन मंथ इज नॉट इनफ सजिया आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा सजिया वैशाली आपका कोई क्वेश्चन पूछा आप करना चाहेंगे यस सर
सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था. बोलिए मैडम. माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस. सर मुझे ये पूछना था साइंस पे क्या मुझे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए. किस चीज के लिए मैडम. सर आर्ट एजुकेशन में 142 मार्क्स आए हैं. 142 तो अच्छे नंबर हैं. आप कहीं भी करो पर करना कोई प्रॉब्लम है. अच्छे नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. जी सर. सर मेरा ग्रेजुएशन में ना मैं कैलीग्राफी करती हूँ. इंग्लिश कैलीग्राफी और अरबी कैलीग्राफी में. तो क्या वो मैं मेंशन कर सकती हूँ. जी सर. और फिर उससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन भी मतलब पूछे जाए. मेंशन करने तो 100% होगा. और मेंशन करना भी चाहिए अगर आपको नॉलेज है तो. बेनिफिट ही देगा आपको, लॉस नहीं देगा. क्योंकि अगर आपने कर रखा है डेफिनेटली दे विल आस्क यू वन और टू क्वेश्चन. बट ये एडिशनल एडवांटेज रहेगा अपने को. और एक टीचर की रिस्पांसिबिलिटी भी है. अगर जितना ज्यादा वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट एक्सप्लेन करता है उसको बेनिफिट ही मिलता है. वन बाय वन प्लीज रेज योर हैंड. आई विल गिव यू चांस. सोनू आप कुछ पूछना चाहते थे शायद. आपने रेज करके हैंड. जी सर. मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मैंने ग्रेजुएशन 2007 में किया और बिलिश जो है हमने 2017 में किया. सर 8 से 10 साल जो गैप हुए इसके से क्या बेस्ट आंसर होंगे. एक्चुअली क्या होता है बेस्ट आंसर यार पूरी लाइफ को देख के बनता है. मेरे से अभी है ना रैंडम आंसर इसमें मत करवाओ. रिक्वेस्ट है. पूरी लाइफ को देख के तो बहुत शानदार आंसर बना सकता हूँ. मगर इस समय अगर मैं बनाने बैठूंगा ना तो मैं ना बायस क्वेश्चन दे दूंगा. मीन्स एक आंसर जो गलत होगा. एक आंसर नहीं देना चाहिए इसका पूरी लाइफ को देखे. तो ऐसा क्वेश्चन आप पुटअप कर लो जो इंटरव्यू का कॉमन हो. आपको बेनिफिट दे जो मैं इजीली बता पाऊँ. क्योंकि मैं यहाँ पर गलत आंसर नहीं रखना चाहता आपकी. और पूरी लाइफ देखे बिना अगर मैं आंसर दूंगा 10 साल का तो आप भी जानते हो वो सही नहीं होगा. सोनू के साथ ना इंसाफी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिव्या शर्मा आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आपने. यस शुभम आप कुछ पूछना चाहते थे. शुभम रॉय यू आस्क समथिंग बट वॉज डिनाइड. शुभम यू वॉन्ट टू आस्क. जिसके पास अंदाज है बच्चों की तरह ही एक स्टाइल है वही जीतता है. क्योंकि पीआरटी टीसीटी देयर इज अ बिग डिफरेंस. एक प्रश्न है मेरा. वेट वेट प्लीज. ओके सर. सो हाउ टू यूटिलाइज शुभम. हाउ शुभम को बता लेने दो दैट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज ओनली वन थिंग दैट शुभम यू शुड हैव द गट्स टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन सच अ मैनर दैट यू आर रियली कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द पीआरटी टाइप स्टूडेंट. मतलब प्राइमरी बच्चों को हैंडल करने के लिए आपको ही पता है सिर्फ नॉलेज नहीं एक्सप्रेशंस ज्यादा जरूरी है. आपके जो पॉइंट्स पे कमांड है जो आपका जो डेमो का जो स्टाइल है वो अट्रैक्टिव है. जोरदार. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनीबॉडी एल्स. यस अंजलि. वैशाली. वैशाली यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन. यस यस वैशाली. यस मैम. सो माय क्वेश्चन इज आई हैव कंप्लीटेड माय बीएड इन 2021. आफ्टर दैट आई डिडंट एनी अदर कोर्सेस. हाउ कैन आई फिल दिस गैप. ऑल्दो 2021 यू हैव कंप्लीटेड. यस सर. So you can go with competitive exams during this tenure. पर मेरी राय रही है अगर कोई explore कर सकते हो, आप कोई experience के साथ बता सकते हो तो आपको benefit मिल सकता है. क्योंकि ये 2 साल का जो gap है, 21 की बता रहे हैं ना, 21. तो इसका आप benefit उठा सकते हैं. Otherwise जो simple अगर आप बचना ही चाहते हैं तो आप ये कह देना कि सर I started preparing for my competitive exams. मगर वैशाली अगर आप सच में खेलना चाहते हैं और जीतना चाहते हो तो आई वॉन्ट यू शुड हैव सम एक्सपीरियंस ड्रॉउड देयर. और उस एक्सपीरियंस को अगर आप हाईलाइट करते हो और अच्छे वे में और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हो तो कॉम्पिटिटिव ज्यादा बनते हो और ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांस बनते हैं. पक्का है ये. श्योर है. नेक्स्ट. सर और इफ यू वांट सर इफ यू वांट टू वन अनाउंसमेंट इज देयर. इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सीटेट टेट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू कैन वेलकम टू इन पीडी क्लासेस. ओके. आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है. आप यहाँ भी प्रिपरेशन कर सकते हो अपनी. ओके. CTET, TET and any state TET, जो भी MP TET and HP TET, Haryana TET, जो भी आपको TET का exam preparation करना हो, आप यह preparation कर सकते हो, उसमें भी आपकी कोई tension नहीं है, ठीक है? तो आपको interview preparation, as well as competitive preparation, वो सब चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, okay? तो don't worry and you are going a very